सब अकाउंट्स कब तक होगा, बैंक अकाउंट, अरे बैंक अकाउंट तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, बैंकिंग तो है ही नहीं गुनगुन, वो पुराने वाले सिलेबस में हुआ करता था, अब बैंकिंग नहीं रहा। चलिए, तो एमलगमेशन था, एमलगमेशन दो पार्ट में बटा हुआ था, एक बायर का बुक और एक सेलर का बुक। सेलर के बुक में क्या करना था, लेजर और एक जर्नल, अभी हमने नहीं किया, वो थोड़ी से टाइम के पार्ट है, आज ही कर लेंगे होगा तो। और बायर के बुक में क्या था सर, बायर के बुक में भी दो चीजें सबसे पहले तो निकालना था। बायर की बुक करने के लिए आपको क्या चाहिए था, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन के अलग अलग मेथड थे सर, जैसे कि नेट पेमेंट मेथड या फिर नेट एसेट्स मेथड। इसके बाद आपका क्या करना था, बायर की बुक का जर्नल, बायर के बुक का जर्नल करना था और बैलेंस शीट बनाना था। जर्नल को करने के भी हमारे दो तरीके हैं सर, एक नेचर ऑफ परचेज होता है और एक होता है नेचर ऑफ मर्जर, जिसको पूलिंग इंटरेस्ट भी कहा जाता है, पूलिंग इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, नेचर ऑफ मर्जर या पूलिंग इंटरेस्ट। सर इन दोनों में फर्क क्या है, अभी दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर, तो थ्योरी अभी हम देख लेंगे इसका। मैं ओवरऑल बता देता हूं क्या है। नेचर ऑफ परचेज का मतलब है हम सामने वाली कंपनी को खरीद लेते हैं, उसके बाद उस कंपनी के साथ जो मन में आएगा हम करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होता है हम सामने वाली को कंपनी को खरीदेंगे, लेकिन हम कंपनी को बदल नहीं सकते, कंपनी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मर्जर का मतलब होता है दो कंपनी मर गया, मर्ज हो गया, दो कंपनी मर्ज हो गया और उसके साथ साथ वो कंटिन्यू चलेगा। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मर्जर हुआ था इनका, वोडाफोन और आइडिया का मेगा मर्जर कहा गया था। तो देखो आइडिया बंद नहीं हुआ, आइडिया भी चल रहा है और वोडाफोन भी चल रहा है। और दूसरा कंडीशन होता है कि नेचर ऑफ परचेज के अंदर हम सामने वाली कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर लें या ना लें, मर्जी है। मर्जर में 90% इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर होने जरूरी हो जाते हैं। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज में क्या डिफरेंस है। तो नेचर ऑफ परचेज के हमने जर्नल एंट्री कर लिया है सर, कैसे करा था, सबसे पहले बायर के लिए बिजनेस परचेज, फिर क्या करा था सारे एसेट्स और लाइबिलिटी, उसके बाद क्या किया था हमने एसेट्स और लाइबिलिटी के बाद डिस्चार्ज, उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंट्री था जैसे कि एमलगमेशन एडजस्टमेंट की एंट्री या फिर डिबेंचर इशू करने की एंट्री या अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री या फिर एक्सपेंस पेमेंट करने की एंट्री। तो ये एंट्री कुछ हमारे उसके अंदर था जिसको हमने देख लिया था। आज हम नेचर ऑफ मर्जर की भी बात करेंगे और इसके अंदर भी देख लेंगे। तो चलिए आइए साहब, नेचर ऑफ मर्जर के कुछ डिफरेंस हैं, इस डिफरेंस को हम बारीकी से समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पूलिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी। पूलिंग का मतलब क्या होता है सर, पूलिंग का मतलब होता है एक तरीके से ब्रिज बनाना, पूल करना, मतलब कि एक साथ सबको मर्ज करते जाएंगे। पहला क्या कहता है, ये जो डिफरेंस है वो नेचर ऑफ मर्जर का है और ये नेचर ऑफ परचेज। कहता है ऑल एसेट्स लाइबिलिटी वेंडर कंपनी ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। सर रिजल्टिंग कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी बंद हो रहा होता है, ट्रांसफर ही कंपनी को हम रिजल्टिंग कंपनी भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं वेंडर कंपनी को क्या कहेंगे, रिजल्टिंग कंपनी। तो बोला जाता है कि जितने भी सामने वाली कंपनी के जो बिकने वाली, सारे एसेट्स लो, सारे लाइबिलिटी। लेकिन नेचर ऑफ परचेज में बोलता है मुझे ये एसेट्स पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं लूंगा। सुना होगा कि एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट बिल्डिंग, लेकिन नेचर ऑफ मर्जर में ये नहीं बोल सकता, आपको सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी लेने ही होंगे। देखिए क्या कहता है, देयर इज नो जेन्युइन पूलिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ओनली द एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर द परचेजर कंपनी आर ट्रांसफर। जो वो देगा या जो हम लेना चाहेंगे वही होगा। पहला डिफरेंस समझ में आया कि नेचर ऑफ मर्जर में एक भी एसेट नहीं छूटना चाहिए और एक भी लाइबिलिटी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर 90% फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बिकम शेयर होल्डर ऑफ परचेसिंग। मतलब सर जैसे कि मान लेते हैं ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, अगर बी लिमिटेड सेलर कंपनी है तो इसके शेयर, ए लिमिटेड ना इसके जितने भी मान लेते हैं इसके 1 लाख शेयर थे, तो बदले में ये कम से कम जो 1 लाख शेयर होल्डर है इसमें से 90% इस वाली कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज 90,000 शेयर। 10% शेयर वगैरह को हम बोलेंगे भैया तू कैश ले ले, कुछ भी कर ले। 90% कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी ट्रांसफर कंपनी मे नॉट बी बिकम शेयर होल्डर परचेसिंग कंपनी। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, बोलता है मैं बेच के बंद करना चाहता हूं बिजनेस,
बंद करके हम चले जाएंगे, तो कोई शेयर होल्डर सिमिलर नहीं होगा। शेयर होल्डर सिमिलर का मतलब समझ रहे हो, जो मालिक पहले था और ये, तो मर्जर करने का एक ही होता है कि हम कंपटीशन देना चाहते हैं सामने वाले को, हम भी मालिक बने रहेंगे, तुम भी मालिक बने रहो, सेम कंटिन्यू बिजनेस करेंगे, और सामने वाले के जो कंपटीशन में हम पीछे चले गए, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया कंपटीशन में पीछे जा रहा था रिलायंस और आपका एयरटेल से, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। अगर एयरटेल को भी ऐसा महसूस होने लग गया कि भाई जियो कंपनी को हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो एयरटेल भी मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बनाएगा और तीनों मिलके जियो के ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि जियो कंपनी रहे ना रहे वो अलग बात होगा। तो इसका टारगेट होता है हमला करने का, मतलब इन द सेंस क्या, हम एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एग्रेसिव प्लान, ये सारी चीजें लेके आएंगे, ठीक है ना। बिजनेस, द बिजनेस ऑफ वेंडर, यानी जो कंपनी बिक रहा है उस बिजनेस का, कंपनी कैरिड आउट बाय द परचेजिंग कंपनी, मतलब उसके बिजनेस को बर्बाद नहीं करना, वो कंपनी सेम चलाना है। यहां पे द बिजनेस ऑफ वेंडर ट्रांसफर कंपनी नीड नॉट टू बी कैरी फॉर, मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले बिजनेस को चलाना है। एक मान लेते हैं एक पर्सन है और उसको खुंदक में उसने सामने वाली कंपनी को खरीद लिया और बोला आप तेरी कंपनी का नामो निशान मिटा देंगे, तो भाई वो कौन सा कहलाएगा, नेचर ऑफ परचेज होगा, नेचर ऑफ मर्जर तो हो ही नहीं सकता। अगर उसका नामो निशान मिटाया, मिटा ही नहीं सकता, क्योंकि सेम बिजनेस उसको कैरी करके चलना पड़ेगा। अब इसके बाद परचेज कंसिडरेशन, द एंटायर परचेज कंसिडरेशन ड्यू इक्विटी शेयर होल्डर डिस्चार्ज ओनली बाई इशू ऑफ इक्विटी, जितने भी भाई तुम्हारे परचेज कंसिडरेशन है सबको मैं इक्विटी दे दूंगा, प्रेफरेंस दे दूंगा और कैश भी दे सकता हूं, कहने का मतलब ऐसे एंटायर इक्विटी बोला हुआ है तो मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी ही दिया जाएगा। कहा गया कि परचेज कंसिडरेशन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के फॉर्मेट में ही दिया जाएगा, जबकि यहां एंटायर परचेज कंसिडरेशन आपका नीड ही नहीं है कि आप इक्विटी शेयर दो, बदले में कैश दो और रफा दफा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं सर, आगे कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर रिकॉर्ड देयर बुक वैल्यू, हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे विदाउट एनी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। भाई साहब जितने का एसेट्स था, अगर बिल्डिंग बोलता है क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख को कुछ नहीं करना, हमें 1 लाख रुपए ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन नेचर ऑफ परचेज में ऐसा नहीं था, अगर 1.5 लाख का था तो हम कौन सी वैल्यू ले लेते थे, 1.5 लाख रुपए ले लेते थे। कहता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन मे बी रिकॉर्ड देयर वैल्यू एट द एग्रीड वैल्यू, मतलब जो रिवैल्यूड वैल्यू है उसके ऊपर दिखाया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ रिजर्व, सबसे मेजर पार्ट यही है और इसी के लिए मैं आज ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पहले नेचर ऑफ परचेज में क्या करते थे, सामने वाली कंपनी के इक्विटी शेयर को नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेंगे, कोई रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेंगे, मात्र एक रिजर्व एंड सरप्लस को लिया जाता था, कौन सा था, एमलगमेशन एडजस्टमेंट वाला, जो कि स्टेचुरी रिजर्व था या फिर एक्सपोर्ट रिजर्व था। अब नेचर ऑफ मर्जर में हम जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है सारा कैरी करेंगे, बस इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को छोड़ देना है, जितने भी रिजर्व है। तो कहना है कि ऑल रिजर्व रिकॉर्डेड देयर कैरिंग बुक वैल्यू इंक्लूडिंग द स्टैचुरी रिजर्व, मतलब स्टैचुरी रिजर्व तो पहले लिया ही जा रहा था, अब सारे रिजर्व को भी ले लिया जाएगा, ओनली स्टैचुरी रिजर्व लिया जाएगा और बाकी को नहीं लिया जाएगा, अगले वाले पॉइंट में कहा गया है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर अगले पॉइंट पे चलते हैं, सर दो पॉइंट छोटे छोटे से बताएं, क्लियरिटी हो गया होगा आपको कि क्या डिफरेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट्स कंबाइंड एग्रीगेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट परचेसिंग, यानी जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इस सामने वाली कंपनी का प्रॉफिट और मेरी कंपनी का प्रॉफिट दोनों को जोड़ के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि जब उसके सारे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे में जुड़ेंगे तो जुड़ के आ जाएगा। लेकिन नेचर ऑफ परचेज में तो सामने वाले का प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं लेते थे, तो जोड़ने की बात कहां से आती, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नेट एसेट्स वेंडर कंपनी परचेज कंसिडरेशन, कहता है डिफरेंस क्या होगा नेट एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी परचेज, कहता है इट इज एडजस्टेड बाय रिजर्व, यानी सर जब हम एसेट्स को, दूसरी एंट्री याद करो, सारे एसेट्स और टू लाइबिलिटी, जो डिफरेंस आता था उसको ऊपर निकलता था गुडविल और नीचे निकलता था क्या हमारा कैपिटल रिजर्व, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर डेबिट निकले तब आप रिजर्व और दूसरा ऑप्शन गुडविल से कर सकते हो, और क्रेडिट निकले तो हमेशा रिजर्व से ही करना है, तो हमेशा किससे करेंगे एडजस्टमेंट हमारा रिजर्व से, इट एडजस्टमेंट देयर गुडविल से हो सकता है और मे बी हो सकता है हमारा किससे कैपिटल रिजर्व से, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो मेजरली डिफरेंस ये है। डिफरेंस की बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो इसे याद, जैसे बच्चे कुछ बोल रहे हैं थ्योरी थ्योरी थ्योरी, सर थ्योरी कब कराओगे, तो थ्योरी इसी टाइप के थ्योरी आपके पूछे जाएंगे कि बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये था हमारा टोटल एक टेंटेटिव आइडिया।
अब इसके ऊपर एक सवाल देख लेंगे कि सर एक्चुअली अब मैं एक बार वन शॉट में अगर हम नेचर ऑफ मर्जर को समझे ना कि तो सबसे पहले उसके सारे एसेट्स हमारे एसेट्स बनेंगे, वो भी बुक वैल्यू पे। दूसरा पॉइंट, उसके रिजर्व एंड सरप्लस को भी हम लेने वाले हैं। दो मेन पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, उनके जो डिस्चार्ज होगा कंसिडरेशन वो किस फॉर्मेट में होगा, इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में ही क्या हो जाएगा, उसको डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात आप? तो ये दो तीन खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। आपके 10 ईयर में मैंने ये सवाल छोड़ दिए थे, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि ये होगा कैसे और सवाल में कैसे पता चलेगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, सवाल में लिखा होगा कि नेचर ऑफ मर्जर का क्वेश्चन हिसाब से करिए आप, आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन एमसीक्यू आ जाए। एक कंपनी था जिसका के मान लेते हैं एमसीक्यू, क्योंकि ट्रू फॉल्स आता है क्वेश्चन, अब आएगा भी ट्रू फॉल्स। मान लो मैंने कहा कि एक बायर कंपनी ने सेलर कंपनी का परचेज कंसिडरेशन 95% इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज किया है, और सेम इक्विटी शेयर होल्डर वहां ट्रांसफर हो गए, आप बताइए नेचर ऑफ परचेज है या फिर नेचर ऑफ मर्जर है? तो वहां पे आपको इस तरीके का पूछा जा सकता है। चलिए सवाल को एक तरफ चलते हैं। देखिए सर क्या सवाल कहता है, ये कहता है आप सभी के किताब में भी है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023। एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023, यानी सर इक्विटी है, प्रेफरेंस है, जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है। ध्यान दीजिए ये जो दोनों है ना रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व और एक्सपोर्ट रिजर्व, ये दोनों हमारा स्टेचुरी रिजर्व मतलब एमलगमेशन एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट लगता अगर ये होता हमारा नेचर ऑफ परचेज, और इसमें भी उसी से जाएगा हमारा लास्ट में फाइनली। इसके बाद क्या है सर हमारा सरप्लस है, सरप्लस के बाद क्या है हमारा सर डिबेंचर है और क्रेडिटर और ये, और इधर की साइड सारा का सारा एसेट। ध्यान दीजिएगा कहता क्या है, एक्स टेक ओवर वाई, यानी सर ये एक्स कंपनी जो है ये बायर है, पहले ये हम लिख लेंगे ताकि हमारे माइंड में फिक्स रहे, और ये सेलर है यानी बिकाऊ कंपनी वाई लिमिटेड है, खरीदार कंपनी एक्स लिमिटेड है। कहता है ऑन 10 अप्रैल 2023 को द परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज एज फॉलो। कहता है भैया हम परचेज कंसिडरेशन ऐसे डिस्चार्ज करेंगे, पहले परचेज कंसिडरेशन तो पता होना चाहिए। कहता है हम इशू कर देंगे उसे 35,000 शेयर 10 रुपए का 1। कहता है उसे कर देंगे हम 13% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का 1 शेयर होल्डर वाई, मतलब जितने तुम्हारे पास पहले प्रेफरेंस शेयर था अब वो भी दे देंगे और हम तुम्हें 35,000 इक्विटी शेयर दे देंगे। चेक करिए पहले इक्विटी शेयर देखा जाए तो कितना था, 3 लाख यानी 30,000, अब हम ज्यादा ही शेयर दे रहे हैं यानी सिमिलर शेयर ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, तो उसी हिसाब से पता चल जाएगा। कहता है डिबेंचर होल्डर वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर तो वैसे भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है, इस बात को मैंने पहले भी कहा हुआ है कि डिबेंचर होल्डर परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, वो तो नॉर्मल लाइबिलिटी को आप लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं। शो द ओपनिंग एंट्री ओपनिंग बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड का एमिगलेटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड ऑल्सो कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर, हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन, दैट इज कैलकुलेट क्या करना होगा परचेज कंसिडरेशन। चलिए सर परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बोला हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, इक्विटी शेयर कितने बोले देंगे 35,000, और एक शेयर कितने का देंगे 10 रुपए, तो दैट इज 3.5 लाख। आगे कहता है कि जितने तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर था 13% वाले देंगे, तो पहले भाई इसके पास कितने परसेंट वाला था 12% 1.70, अब बस कुछ नहीं करना 13% वाले देंगे, तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपका 1.70 यानी 100 रुपए का 1 है, और अभी भी 100 रुपए का 1 है, तो मतलब भाई पहले कितने थे, 1.70 की बात चल रही है, तो पहले 1700 थे, अब 100 वाले दे देंगे तो 1,70,000, और तो कुछ देने लेने की बात नहीं चल रही, तो दैट इज परचेज कंसिडरेशन कितने आ जाएंगे आपके 7,5,12,4,20,000, यही आ रहा है, चेक कर लीजिए आप कैलकुलेशन, देखो चेक कर लिया करो। पांच बीस
नीचे 13% कह रहा है, ऊपर 12 था, ठीक है 13 दे रहे हैं वो। अब पहली एंट्री क्या करेंगे, सर बायर की बुक्स की जनरल एंट्री डिमांड की गई है, नंबर वन पहली एंट्री वही सेम बिजनेस परचेज वाली जो कि हमने सीखा है, क्या एंट्री होगा नंबर वन, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट। सर बींग में कोई बदलाव नहीं है, कितने आ जाएंगे 5 लाख। पहली एंट्री में किसी बच्चे को डाउट, पहली एंट्री में किसी बच्चे को डाउट, ठीक है पहली एंट्री में डाउट, कुछ बच्चों का गलती से हैंड रेज हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब दूसरी एंट्री किसका होता है, सारा एसेट्स और सारा, यहीं पे नेचर ऑफ मर्जर का कमाल है और कहीं भी नहीं है। तो सारे एसेट्स को लिए जाएंगे एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सारे के सारे एसेट्स ले लिए गए और सारे एसेट्स का अमाउंट की एंट्री कर देते हैं 1,55,000, 1,70,000, 35,000, 50,000। स्टॉक रह गया, हाँ आएगा आएगा आएगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो सर डेटर कितने का है, पहले डेटर आया था नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट 50, डेटर कितने का है 1,03,000, 52,000 और ये 90। अब बताइए टू में जो जाएगा, टू में हमें क्या क्या लेना है, मुद्दे की बात ये ध्यान दीजिए। टू में बताओ मैंने क्या सिखाया, मर्जर में क्या लेंगे, मैं मिटा देता हूं इसको, साफ कर देता हूं आपके लिए। टू में क्या लेंगे मुझे बताते जाइएगा, टू में क्या लेंगे। पहला मेरा सवाल, क्या इक्विटी को टू में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। क्या प्रेफरेंस को लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। क्या जनरल रिजर्व को लिया जाएगा, लिया जाएगा। क्या एक्सपोर्ट रिजर्व को लिया जाएगा, लिया जाएगा। तो ये कट लगा देते हैं जिसे नहीं लेना, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि डिफरेंस हमें जनरल रिजर्व से मैच करना है तो ऑलवेज जनरल रिजर्व को पार्ट को छोड़ देना, क्योंकि जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसको किससे मैच कर देंगे हम, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व वाला पार्ट छोड़ देना, रिजर्व एंड सरप्लस से, बाकी सारा एज इट इज कैरी कर लेना आप। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक्सपोर्ट रिजर्व। एक्सपोर्ट रिजर्व कितने का है सर, एक्सपोर्ट रिजर्व 20,000 रुपए, नहीं 10,000। एक्सपोर्ट रिजर्व के बाद क्या बताइए सर, एक्सपोर्ट रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व कितने का है 50,000। सारे रिजर्व आएंगे। उसके बाद क्या है सर, सरप्लस लिया जाएगा, छोड़ दें लिया जाएगा, लेकिन नेचर ऑफ मर्जर में हम नहीं लिया करते थे, दैट इज 35,000। आ जाइए आगे, डिबेंचर, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी, तो डिबेंचर कितने का है वो भी 35। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है 15,000, नहीं सरप्लस 50 का है, सरप्लस कितने का है 50,000 भाई साहब। तो फिर इन्वेस्टमेंट कितने का है भाई, आपने गलत बता दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जनरल रिजर्व 25, 20 है भाई साहब एक्सपोर्ट रिजर्व, ऊपर से ही गड़बड़ कर दिया। चलिए ये 20,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस,
10, सरप्लस, अब डिबेंचर 35 और क्रेडिटर भी 35, अदर लाइबिलिटी कितने का है? 15। और लास्ट में जो हमने निकाला है दैट इज पीसी परचेज कंसिडरेशन कितने का निकाला था? 5,20,000। अगर आप अब कैलकुलेशन बिठाएंगे थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में आपको नजर आएगा यहाँ पे कि भाई साहब कहाँ डिफरेंस निकल रहा है। हो सकता है मे बी डेबिट में निकल रहा हो और हो सकता है मे बी कहाँ निकल रहा हो, क्रेडिट में। डेबिट में निकलेगा तब भी जनरल रिजर्व से करोगे, क्रेडिट में निकलेगा तब भी जनरल रिजर्व। कई बार डेबिट में हम गुडविल से कर सकते हैं लेकिन प्रायोरिटी आप जनरल रिजर्व देना, ठीक है? चलिए सर अब डिफरेंस निकाल के करते हैं, टोटल कर लेते हैं, इसका क्या बन रहा है? 1,55,000, 1,70,000। इधर ध्यान दीजिए, आप बातें मत करिए साहब, इसका टोटल क्या बन रहा है? 6,60,000। ऐसे इसका टोटल ले लेते हैं, छह लाख 85,000। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट में ज्यादा है डेबिट में कम है, तो कहां पे निकलेगा? डेबिट में। तो मैं डेबिट में लिख देता हूं जनरल रिजर्व के नाम से, थोड़ी अकाउंटिंग एडजस्ट कर देते हैं। जनरल रिजर्व, और ये दैट इज बैलेंसिंग फिगर है, और कितना आ गया हमारा? 85 माइनस 60, 25,000। हर बच्चे को क्लियर है? बस यहीं पे नेचर ऑफ मर्जर आपको रियलाइज होगा कि सर इसके अंदर कुछ हमने डिफरेंट किया है। बाकी भाई साहब पूरे सवाल के अंदर आपको लगेगा पहली एंट्री कहाँ से नेचर ऑफ मर्जर एक्सप्लेन करता है, सिंपल है, बस इसी एंट्री में लगेगा। अगली एंट्री इसको डिस्चार्ज करने का वो भी कॉमन ही होगा। तो चलिए अगली एंट्री इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगली एंट्री डिस्चार्ज कैसे करेंगे? बिजनेस, सॉरी, लिक्विडेटर को करेंगे, लिक्विडेटर अकाउंट। बदले में क्या दिया हमने और क्या दिया? कितने थे? 5 लाख, इक्विटी 3 लाख और प्रेफरेंस शेयर 1 लाख। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? इसमें बैलेंस शीट मजेदार बनेगा सर। वो लास्ट वाली एंट्री रिपीट कर दो, जो भी जनरल एंट्री के अंदर बैलेंसिंग फिगर निकले, इस वाली एंट्री के अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर निकले उसको जनरल रिजर्व से या ओनली रिजर्व से मैच करना है बस। तो ये बैलेंसिंग फिगर है जिसको मैंने 25,000 से मैच कर दिया, नेचर ऑफ मर्जर में यही रहेगा। चलिए सर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगले पॉइंट पे किस पे आ जाएं, किस पे आ जाएं, किस पे आ जाएं? अगला है हमारा एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, वो एक्सपोर्ट रिजर्व वाला। हम क्या करते थे एमलगमेशन एडजस्टमेंट, तो इसमें वो एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने उस एडजस्टमेंट को लाइबिलिटी के अंदर कंसिडर कर लिया है, तो ऑलरेडी लाइबिलिटी में चले गया। पहले जो नेचर ऑफ परचेज होता था, शायद देखें कहीं मिल जाए मुझे सवाल तो मैं दिखा दूं आपको, 8AAA एमर्गेशन वाला है कहीं? नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरी शीट खोली है मैंने, पहले तो देखा था। लो, इसमें भी नहीं है। तो आपको पहले अगर याद हो ना, तो पहले इस टाइप के एंट्री में क्या करते थे हम? मेन एंट्री के अंदर इस एंट्री में नहीं किया करते थे, इस एंट्री में हम कोई भी रिजर्व लिखा ही नहीं करते थे। रिजर्व जो एक्सपोर्ट रिजर्व वाला था उसको अलग से कर देते थे, ट्रिपल ए एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व। और एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को हम नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखा दिया करते थे, और एक्सपोर्ट रिजर्व को हम रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर दिया करते थे। जबकि यहां पे तो सर आपने ले ही लिया यहां पे, तो आपको अब इसकी एक अलग से एंट्री करने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लो मैं एक अलग से एंट्री करूंगा तो डबल नहीं हो जाएगा? ये तो खत्म हो जाएगा भाई साहब, डबल हो जाएगा, डबल एक्सपोर्ट रिजर्व चला जाएगा। एक और एंट्री बोलते हो सर करके दिखा दो, कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं करूंगा एमलगमेशन एडजस्टमेंट टू एक्सपोर्ट रिजर्व, तो एक्सपोर्ट रिजर्व यहां भी है भाई साहब और वहां भी, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट रिजर्व मान लो यहां भी है वहां भी, तो दो दो क्रेडिट चले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। चलिए सर डिबेंचर को डिस्चार्ज करने की एंट्री करनी पड़ेगी। सर डिबेंचर को डिस्चार्ज कहता है कि भैया पुरानी कंपनी के डिबेंचर को सेम दे देंगे, तो हम लिख देंगे आपका 14, यानी ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर कर देंगे, सिंपल। ओल्ड डिबेंचर
टू न्यू डिबेंचर। देखो ये मैं रफली समझा रहा हूं, लेकिन मैं सही मायने में बोलूँ ना तो जैसे किताब में लिखा होता है ना, 14% डिबेंचर लिखा जाता है, 13% डिबेंचर लिखा जाता है, प्रॉपर आपको वो रूल फॉलो करना होगा। मैं ये रफली बता देता हूँ आपको, मेमोरी में रहे कि भैया ओल्ड डिबेंचर मतलब पुरानी कंपनी के डिबेंचर डेबिट खत्म हो गए और नई में मिल गए, ताकि बस याद रहे, बाकी लिखना है आपको वैसे ही है। तो सर कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए भाई साहब डिबेंचर, डिबेंचर, डिबेंचर 35,000 रुपये। चलिए 35,000, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक? चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से, और बैलेंस शीट में एंट्री कर देते हैं। और कुछ तो एंट्री करने लायक रहा नहीं, और कुछ तो एंट्री करने लायक रहा नहीं। सर एक बार डिफरेंस कैसे आया 25,000 रुपए का बता दीजिए। भाई साहब 25,000 जब हमने इसका टोटल किया ना तो ये बन रहा था, और जब इसका नीचे का टोटल किया ना तो ये बन रहा था, तो मैंने देखा कि डेबिट में फर्क आ रहा है, निकाल दिया डिफरेंस। चलिए बैलेंस शीट, चलिए आइए बैलेंस शीट। पहला आएगा हमारा, और मैंने हर एक बच्चे को बोला है, जिन बच्चों ने बैलेंस शीट नहीं करा तो चैप्टर के अंदर फॉर्मेट का डाल दिया, तो आपको देख लेना चाहिए, नहीं देखोगे तो फिर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर, इसके बाद ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल, बी पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, सर तीसरा आता है हमारा करंट लाइबिलिटी, सर इसके अंदर क्या आता है, ए पार्ट लॉन्ग टर्म, सर इसके अंदर बड़े सारे आते हैं ट्रेड पेबल आपका, बहुत सारी चीजें आती है जिसको हम देखेंगे। एसेट्स की बात कर लें तो पहला पार्ट है हमारा इसके अंदर नॉन करेंट, एसेट्स, और इसके अंदर ए पार्ट आ जाता है फिक्स एसेट्स, और बी पार्ट आ जाता है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स नहीं पीपी आता है, ए पार्ट के बाद अंदर पॉइंट आ जाता है रोमन में वन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब आएगा इंटेंजिबल, सेकंड आ जाएगा आपका करंट एसेट्स, इसके अंदर सबसे पहले ए पार्ट लिख लो आप इन्वेंट्री, इसके बाद बी पार्ट ट्रेड रिसीवेबल, सी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, मैं बनाता जाऊंगा और आप समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड की बात करें तो हम इसमें से सामने वाले का शेयर तो नहीं लेंगे, अपनी कंपनी के शेयर्स और अपनी कंपनी के जर्नल एंट्री वाली बात करेंगे। तो हमारी कंपनी का शेयर्स की बात करें 5 लाख, और हमने फ्रेश इशू 3.5 लाख का किया था, याद होगा, नोट नंबर वन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से ही हमारे पास है 5 लाख रुपए का, ये बायर के पास था, बी लिख देता हूं, और इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिए हमने 3.5 लाख का, दैट इज 8,50,000।
और हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले से ही था सर, पहले से था 2020 का, ये बायर में था, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इशू कर दिए 1,70 का, दैट इज नो 3,90,000। इस नोट का टोटल करो 3,90 और 8,50, दैट इज 12,40,000। नोट नंबर वन में चेक करिए और यहां लिख दिया 12,40,000, ठीक है। नोट नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, इधर करते हैं नोट नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या है सर? जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व के बाद क्या था हमारा? एक्सपोर्ट रिजर्व है, एक्सपोर्ट के बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है, और क्या है सर? सरप्लस है। पहले मैं बायर कंपनी का अगर ले लूं यहां पे, तो बताइए बायर कंपनी का क्या है? आप सभी के पास किताब है, 10 ईयर है, तो बताते जाइए बायर कंपनी का 50,000, एक्सपोर्ट 30,000, बायर का ले रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सरप्लस 71, 79, तो ये 69 है, 75। अब सेलर कंपनी का भी रिजर्व लोगे ना, सेलर कंपनी का, तो आप क्या पाओगे? सेलर कंपनी का रिजल्ट तो डेबिट में निकल गया, और डेबिट में निकलने का मतलब है सेलर कंपनी का नेगेटिव रिजर्व हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे जो कि हमारा रिजर्व आया है। कितने का रिजर्व आया था? नेगेटिव 25,000, दैट इज ये हमारा आ जाएगा 25,000 आएगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट रिजर्व देख लो आप, सेलर कंपनी का क्या है, सेलर कंपनी का एक्सपोर्ट रिजर्व बताइए, 20,000, दैट इज 50, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व 10,000, टोटल कर लेंगे, और सरप्लस इसका था और हमारा क्या है, सेलर का, सेलर का सरप्लस, तो ये आ गया 1,25,000। भाई आपके सामने किताब है और आपको बताने में भी सही लिखा है नहीं लिखा बताओ मुझे पहले फटाफट, सही है? चलिए इसको हाँ जी कर दिया ना, 50 में से 25 क्यों किया? क्योंकि यहां पे डेबिट आ गया था ना, लिया है लेकिन क्रेडिट होता तो हम अपने जोड़ देते रिजर्व में जाके, यहां पे डेबिट आ गया इसका मतलब रिजर्व ऊपर आ गया। नॉर्मली हम गुडविल से भी कर सकते थे इसको, एसेट्स में दिखा देते, बट यहां पे नेगेटिव, डेबिट में रिजर्व आने का मतलब क्या है? नेगेटिव रिजर्व, समझ रहे हो? तो नेगेटिव रिजर्व मतलब हमारे रिजर्व में से क्या कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट करके माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट में आता तो मैं प्लस ही करता इसको। हाँ जी, परचेज में तो हम रिजर्व लेते ही नहीं है, थोड़ा इसको मैं अच्छे से करना चाह रहा हूं कि सजा दूं ताकि आपको क्लियर रहे। अरे क्या हो गया भाई? चलिए इसको जोड़ देते हैं, बच्चों ने बता भी दिया जोड़ के, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 2,10,000 इधर देखिए इधर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, अब जो चीजें ना मैं ओरली कर सकता हूं ना, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैं ओरली कर सकता हूं,
तो मैं ओरली कर दूंगा, या नोट बनाना है तो नोट भी बना सकते हो, नोट नंबर थ्री। हालांकि नोट नंबर थ्री मैं जगह बचा रहा हूँ एसेट्स के लिए, आप यहाँ नोट नंबर थ्री लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब डिबेंचर बता दीजिए, बायर कंपनी का, और डिबेंचर बता दीजिए जो सेलर का था, बताइए डिबेंचर। और सेलर का तो टोटल सिंपल सी बात है 85, यहां पे आएंगे और 85 लिख देंगे। करंट लाइबिलिटी में क्या था देखना पड़ेगा सर। सर करंट लाइबिलिटी में दो पॉइंट है, क्रेडिटर और अदर करंट लाइबिलिटी। तो पहला पॉइंट आ जाएगा ट्रेड पेबल, और ए के बाद बी पार्ट आ जाएगा अदर। बता दीजिए, मैं यहीं ऐड कर देता हूं, बायर का 45, सेलर का तो ये हो जाता है 80,000, और अदर करंट लाइबिलिटी बायर का और सेलर का ये हो जाता है 45। लीजिए सर, ये टोटल कर देंगे, समझे। अब पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको नोट नंबर चार दे देते हैं। सर क्या क्या था हमारे पास, काफी सारे एसेट्स थे, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, और लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या था, फर्नीचर, मेरे ख्याल यही है। सर क्या क्या है, एक हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बस सबको जोड़ देते हैं। बताइए लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, बायर का, बायर का 250, लैंड एंड बिल्डिंग और सेलर का, अगर मान लो वो कहता क्वेश्चन में कि सेलर के लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन जो है 160 हो चुका है, तो क्या हम 160 कंसीडर करते हैं? नहीं, हम 150 ही लेते हैं, कोई भी वैल्यू आ जाए उसको इग्नोर करके चलना है। प्लांट एंड मशीनरी बताइए कितना है बायर का, हाँ 3,25,000, और बायर का, सेलर का 1,70, ठीक है। फर्नीचर बायर का, फिफ्टी सेवन, सेलर का ये 57, 500 भी है, और सेलर का ऐड कर लेते हैं, चलिए 1,70,000, 3,25,000, 495, 250, 4,05,000, 35,000, 92,500, 4,05,000, 4,95,000, 99,25,000। देखो मैं टोटल जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कहीं मिसमैच हो आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। 99, समझे। अब इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स है नहीं, इन्वेंट्री मैं यही ले लेता हूं, बताइए बायर का इन्वेंट्री क्या है, बायर के बुक्स में इन्वेंट्री स्टॉक 1,25, और सेलर का स्टॉक कितने हो गए, 1,25 और 95, 2,00,000। ऐसे ही डेटर ले लेते हैं, बायर का डेटर और सेलर का डेटर 1,03,000, तो 90,000, 193। कैश को टोटल कर दीजिए, बायर का कैश 82,500 और सेलर का 52, तो 82,500 प्लस में 52,
34,500, अब टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल 1240, सोलह लाख 60,000। अरे कुछ और रह गया क्या? क्या रह गया? इन्वेस्टमेंट भी था। हाँ इन्वेस्टमेंट रह गया, इन्वेस्टमेंट एक साथ ही लिख देता हूँ, 1,20 साहब इन्वेस्टमेंट रह गया। इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? यहाँ लिख देते हैं बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक लाख 20,000, दोनों ऐड करके लिख दिया, आपका आ गया 99,2500, 1,20,000, 193। तो ये भी आ गया 16,00,000। देखिए दोनों चीजें आपने सीख ली सर, बैलेंस शीट भी सीख लिया और ये भी नेचर ऑफ मर्जर। मेरा मानना है कि नेचर ऑफ मर्जर कंपेयर टू इजी है, वैसे इजी तो दोनों ही है, कंपेयर करें तो ये इजी है, लेकिन बच्चों को नेचर ऑफ मर्जर पता नहीं, क्योंकि बाद में करते हैं तो लगता है कि मुश्किल है। बाद में करने का मुश्किल रीजन क्या है? क्योंकि हम इतना सारा एमलगमेशन का कॉन्सेप्ट कर करके लास्ट में आते हैं और लास्ट में कराई गई किसी भी चैप्टर की चीज़ें बच्चों को याद नहीं रहता और वो मुश्किल बन जाता है। तो सिर्फ ये रीज़न है, बाकी उससे आसान है, सारे एसेट्स लाइबिलिटी ऐड करना है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं डिफरेंसेस। तो ये था हमारा नेचर ऑफ मर्जर। अगले पॉइंट पे चले, ये ले लीजिए इमेज जिसको लेना। अगले क्वेश्चन पे चले, आपकी किताब में भी सॉल्यूशन है, बाकी ये पीडीएफ भी डल जाएगी। चलिए आप सवाल देखिए, सर कैसे पता चले? और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? ठीक है सर, एसेट्स लाइबिलिटी है, कहता है ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड को 23 में कर रहा है, कंसिडरेशन 25,00,000 रुपए का बोला तुझे पे कर देंगे, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक। सर यहीं से पता चल गया सामने वाली कंपनी को 25,00,000 दिया जा रहा है ना, और सिर्फ इक्विटी दिया जा रहा है, सिर्फ क्या दिया जा रहा है? तो इसी से ही पता चल गया हमें कि मर्जर वाला कॉन्सेप्ट होगा। बाकी जब तक क्वेश्चन में मर्जर वाला ना बोले आपको करना नहीं, आप सिंपल जैसे मर्जी करें वो कर सकते हो। मान लो ये सवाल होता और नीचे नहीं बोला जाता कि आपको एमलगमेशन अज्यूमिंग आपका कहां गया, कहीं बोला इसने ये इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर ये लाइन नहीं होता तो एग्जामिनर बोलता है बच्चों तुम्हारे छूट है, आप चाहे नेचर ऑफ मर्जर से करके दिखा दो क्योंकि इसके अंदर 90% से अबव जा रहा है, चाहे आप परचेज कर दो, दोनों ही सही हम मान लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, एग्जामिनर को आंसर कॉपी भी बनाना होता है तो वो हमेशा लिखेगा नेचर ऑफ मर्जर वाले में, और जिसमें परचेज वाला होगा नेचर ऑफ परचेज उसमें शायद ना लिखे हो, ठीक है ना? अगर कुछ नहीं लिखा हो तो मानना नेचर ऑफ परचेज, अदरवाइज नेचर ऑफ मर्जर। कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो ए तो सर बायर है, बायर की बात कर रहा है। व्हेन एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड After amalgamating, assume the development rebate reserve and workmen compensation fund of B Limited are acquired by continue books of account. तो सर अगर ये वाली लाइन नहीं कहता ना, ये दो लाइन करके उन्होंने बस पेज खराब किया है। ये अगर ये लाइन नहीं कहता कि अज्यूम करो amalgamation, अज्यूम करिए कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो सर ये वाला डेवलपमेंट रिजर्व एक अटपटा सा नाम है, तो जो कि हमारा एक्सपोर्ट रिजर्व था तो ये तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को भी ना आप कंटिन्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दो। अगर ये लाइन नहीं भी कहता तो हमें पता है भाई साहब ये हमारा रिजर्व का पार्ट है, तो हम वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके चलते हैं।
तो ये दो लाइनों का कोई ऐसा तुक बनता नहीं इस सवाल के अंदर, इसने बोल दिया तो हमारी मदद की है बल्कि। अब हमें क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन इस सवाल में निकालना है या निकाल के दे रखा है? सर पीसी दे रखा है कितने का? 2,50,00,000 है। ओहो, अब जब ऐसा सवाल आ जाए ना, जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 जीरो पीछे का कट कर दे, 5 जीरो कट कर दे, वो आपकी मर्जी है। इन लैख और इन करोड़ में कर सकते हैं या इन थाउजेंड्स में कर सकते हैं। 3 जीरो आप हटा दें पीछे का, आसान आसान हो जाएगा। तो लीजिए 3 जीरो हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? 25,000। परचेज कंसिडरेशन आ गया 25,000। और इन ऐसे लिख दीजिए आप, एग्जामिनर समझ जाएगा कि 3 जीरो इसके बाद लगाओगे तो जो बोला हुआ है वही होगा। अब 3 जीरो हर किसी में से अगर हटा देंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा हमारा। आसान कैसे? लिखने में जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए जैसे कि ये इतने दे रखे हैं तो ये 25,000 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। तीन तीन जीरो कट करते जाएंगे लिखते टाइम पे, बाकी आपकी मर्जी, आप पूरा लेना चाहते हैं तो पूरा करेंगे। तो बताइए ये सवाल आप कर पाएंगे या मैं करके दिखाऊं? हो जाएगा। इसके अंदर जनरल रिजर्व को तो पहले नहीं लेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे। इस वाले सवाल में शायद जनरल रिजर्व, इसमें भी डेबिट ही निकल रहा है, तो डेबिट निकल रहा है तो किताब के सॉल्यूशन में वहां गुडविल लिख दिया गया है, लेकिन आप जनरल रिजर्व से करना है इसको, समझ रहे हो? आप देख सकते हो किताब में सॉल्यूशन दे रखा होगा, शायद मैंने वहां पे गुडविल लिख दिया है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसके नाम से कर दोगे? जनरल रिजर्व। चेक करिए क्या है, गुडविल है। आप किससे मैच कर दीजिएगा? जनरल रिजर्व से। और जनरल रिजर्व नेगेटिव पॉजिटिव करके कर देंगे, तो ये क्या हो गया सर? होमवर्क। किसी को डाउट? ये होमवर्क हो जाएगा, डन। हाँ, जो भी आता है। नहीं, ये वाला देखोगे ना आप? हम तो नेगेटिव को यहां से एडजस्टमेंट करेंगे, और यहां से भी नहीं होगा तो पीएनएल से मार देंगे एडजस्टमेंट। बिल्कुल आकाश, थ्योरी आप हिंदी में और प्रैक्टिकल इंग्लिश में कर सकते हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि नहीं करना, कर सकते हो बिल्कुल।